यहाँ तशरीफ लाते हैं, जहमतें उठाते हैं और इस महफिल को रौनक बख्शते हैं। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में परसों होने वाले सानहे के हवाले से ताज़ीम पेश करना चाहता हूँ। एक ऐसा सानहा है जिसने सबको हिला के रखा। जो नौजवान इस सानहे के हवाले से, मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो नौजवान यहाँ खुद बेतमान रहते हैं, बेसकून रहते हैं, लेकिन आपको ये मौका मुहैया करते हैं कि आप इत्मीनान और सुकून से आज़ादारी इमाम हुसैन कर सकें। हमारी जैसा जाहिद जाफरी साहब ने अर्ज किया, रिवायत है कि हम हमेशा एक दिन आप लोगों से बात करते हैं। वजह इसकी ये है कि हम बहुत जिम्मेदारी से बात महसूस करते हैं कि हम आपको जवाब दें, क्योंकि ये जो कुछ होता है अशरे मुहर्रम सिर्फ ये नहीं बल्कि हम जो कुछ भी अमल करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के सामने, आप लोगों के सामने, जिनके ताबून से ये सारा सिलसिला चलता है, उनके सामने जवाब दे हैं। यह आपका फर्ज है कि आप हमसे सवाल कीजिए, हमसे पूछिए कि क्या काम हमने कैसे किया, अच्छा किया, बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, खामियां हैं उसकी निशानदेही कीजिए। जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आइंदा चंद साल तक, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 10 साल तक कम अज कम हम नहीं महसूस कर सकते कि इसके अंदर कोई बिजली आएगी, बल्कि हालात खराब तर होंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम जब तैयारी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम में आगे जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी को वो तालीम हासिल करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा मेरा या आपका बच्चा नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं और हमें उन बच्चों को आगे लेके जाना है। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे बच्चे असलाह उठाएं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कलम उठाएं। लिहाजा अंजुमन अब यहाँ सोचती है, ये महसूस करती है कि इस फील्ड में भी हमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। उस काम के लिए आपका ताबुन जरूरी है। जब मैं ताबुन कहता हूं तो अमूमन उससे मुराद ये ली जाती है कि पैसे चाहिए। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की शमूलियत की बात कर रहा हूं। माशाल्लाह सुभान। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो रूह पैदा होती है जो आपको आगे लेकर जाती है। आज भी हम अंजुमन के हर रुकन से ये बात कहते हैं कि हम यहाँ जो इंतजाम करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का इजाफा करके ये सारे इंतजाम के लिए मजदूर हायर हो सकते हैं। हम उसे कहीं ज्यादा खर्चा करके अपने बच्चों से ही काम करवाते हैं, इसलिए कि जब वो बड़े हों, दुनिया के किसी हिस्से में जाएं, तो जब अशरे मुहर्रम शुरू हो तो आजादारी के लिए काम करें। नारा हैदरे। अगर वो ये काम करते हैं तो आपको इंतजाम भी अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह आपको सिलसिला भी बेहतर नजर आता है, क्योंकि फिर इस काम का अजर देने वाली हस्ती बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हस्तियां आपको अजर देती हैं, वो अजर यही होता है कि आपका काम बहुत बेहतर होता है। ये एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क में आप सामयीन की, आप कम्युनिटी के लोगों की, आप सबकी शिरकत बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूंगा आखिर में कि अपने बच्चों से कहें कि अंजुमन के साथ शामिल हों। हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी तरबियत कर सकें। मैं वालदैन की तरबियत की नफी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बच्चों की दुनिया वालदैन और घर से निकल के बाहर की दुनिया में आते हैं, जब भी उन्हें तरबियत की जरूरत होती है, वो तरबियत हमारे स्कूल मुहैया करते थे, अब वो स्कूल नहीं रहे। दूसरी तरबियत हमारे आज़ादारी मुहैया करती है। बराए मेहरबानी से जुड़े रहिए, इसके साथ वाबस्ता रहिए, क्योंकि जब आप इससे वाबस्ता रहेंगे ये उनका काम है कि वो आपको सही रास्ते पर रखें। बराए मेहरबानी इससे जुड़े रहिए। लिहाजा दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि अपने बच्चों से कहिए, मैं नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त करूंगा कि अंजुमन के साथ आए, हमारे साथ अपने ख्यालात को, आइडियाज को शेयर करें, अपने विजन को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम मुख्तलिफ जहतों में जहाँ हमें कमी महसूस होती है वहाँ हम बेहतर तौर पर काम से कर सकें, और इसी बात का ताबुन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का एक मरतबा।
और मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक हदीया सलवात पेश कीजिए उन तमाम बच्चों के लिए जो दिन और रात पिछले तीन रात से बच्चे निगरानी करते हैं जगह इस लोग की पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए हदीया सलवात कीजिए ताकि उनके लिए बिजली की मजीद सूरतें पैदा हो। बहुत शुक्रिया।